आपने हमें क्यों रोका? हमने किसी वजह से रोका है पुष्पा जी, अब वो दोनों ना भाई हमारे भौकाल से नहीं बचेंगे, आप देख लीजिएगा। हे भगवान, बोलिए मैडम क्यों बुलाया? हाँ, तुमको कॉल करना है दोनों भाइयों को और उनको बोलना है कि तुम चोरों लॉकअप से बात कर रहे हो। चोर लॉकअप से कैसे बात कर सकते हैं? जैसे आप थाने में सारा दिन बैठ के बकबक करते रहते हो। सटीक बोली है संतु जी। अब हम बोले, बोल देना कि जुगाड़ है तुम्हारा। अच्छा, और तुमने बहुत पहले एक ज्वेलरी की दुकान पे डाका डाला था। हाँ? और वो ज्वेलरी का जितना भी माल था तुमने उनके प्लॉट के अंदर दबा दिया है। हाँ? और वो जो ज्वेलरी का माल तुमने वहाँ छुपाया है वो भाई वहाँ से निकाल ले, आधा तुम्हारी बीवी बच्चों में बांट दे और आधा वो खुद रख ले। हाँ, ठीक है। हाँ, पूरा बात सुनोगे? आगे भी है। हाँ, आगे भी है। सुनो सुनो। ये टॉप सीक्रेट है, ऐसा बोलना तुम कि किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात हो गया पूरा। मैडम, सब संभालूंगी। रिवर्स तो लेने दो, संभाल लूं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तू का खोद रहा है? पहले तू बता। पहले मैंने पूछा है तो पहले तू बोल। अच्छा, तेरे हिसाब से चलूंगा क्या? माथा खराब मत कर। तू मेरा माथा खराब मत कर, ईंटा से मारूंगा, भीतर माथा होता फोड़ दूंगा, समझा कि नहीं? क्या हुआ वर्मा ब्रदर्स, बहुत थके हुए लग रहे हो, मिला वो चोरी का माल? मैडम, यही है वो नाला जहाँ से इस कचरे का पानी आश्रम के हैंडपंप से मिल जाता है। कहाँ वो चोरी का माल? किधर है? चीते कहाँ छुपा है? कहाँ मैडम, चोर तो मजाक किया था। नहीं नहीं नहीं, मजाक थोड़ी था। ये देखो कितना सारा माल पड़ा है यहाँ पर, वहाँ देखो वहाँ कितना सारा माल पड़ा है। अब तुम दोनों भाई ना फटाफट ये सब कचरा उठाकर यहाँ से कट लो, हम 10 तक गिनेंगे, नहीं गए ना तो जिंदगी भर अफसोस मनाओगे कि कचरा उठाया के लिए। काहे मैडम, जब ये कचरा हमने फेंका ही नहीं तो हम काहे के लिए उठाएंगे, बताओ भाई। सुनो दरोगाइन, ये धमकी ना तुम हमको तो ना देना, बहुत ऊपर तक पहुँचा है हमारे। वही ऊपर तक पहुँच जाओगे तुम अगर ये कचरा साफ नहीं हुआ यहाँ से, समझे? अफसोस मनाओगे कि लखनऊ में क्यों आए, और अगर लखनऊ में आए तो करिश्मा सिंह से काहे टकराए। अरे जाइए मैडम, आपके जैसे बहुत देखे हैं दरोगाई, आपकी इस गीदड़ भक्तियों का हम पर कुछ असर होने वाला नहीं। तुम ना। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आप अमित और सुमित वर्मा से पूछताछ करने के लिए गई हैं। जी हाँ, और हम अपने तरीका से उनसे निपटेंगे सर। अभी आप उनसे नरमी से पेश आइएगा। पर सर, अरे भाई हम सब जानते हैं, किंतु क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता है तो आप उनसे सख्ती से पेश नहीं आएंगी। That's my order. जय हिंद सर। अब तुम रुको भैया, दवाई होगा तुम्हारा अच्छे से। क्या हो गया, अब रुक क्यों गई? दिखाइए ना अपना भौकाल, जब की पिटाई कीजिए इनकी, और जो पैसा आपने ये जगह को साफ करने के लिए लगाया था ना वापस ले लीजिए। इतने सालों बाद तो आप लल्ला के साथ मसूरी घूमने जा रही थी, हम कुछ नहीं जानते, आपको इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे? हाँ। कैसे सिखाए, हमारे हाथ बन गए हैं पुष्पा जी। मतलब वकील है ना दोनों, खेल रहे हैं दोनों हमारे साथ। एसपी सर को ऊपर से कॉल आया था कि जब तक सबूत ना हो तब तक इनको परेशान ना किया जाए। मैडम सबूत तो है ना, इतना सारा सबूत है, ये सारा कचरा फैला तो हुआ है। पर चीते कचरा बोलता नहीं है ना। बोलेगा, अब ये कचरा भी बोलेगा। पुष्पा जी, पुष्पा जी ये क्या कर रही है? अरे छोड़ी, बीमारी आ जाएगी आपको। हम सबूत ढूंढ रहे हैं इस कचरे में। अरे इसी कचरे की वजह से हमारे बच्चों के और हमारे सपने टूटे हैं ना, अब ये कचरा ही हमारी मदद करेगा।
पुष्पा जी बात मानिए, छोड़ दीजिए। हमें दीजिए प्रणाम। एक मिनट, मिनट। ये देखिए, मिल गया सबूत। ये इन दो भाइयों के नाम की रिसिट है जो इन लोगों ने शॉपिंग की है। अब तुम गए वर्मा भाइयों, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पुष्पा सिंह नाम है हमारा, अगर थान लेना तो शेर के दांतों में भी दातुन घिस दे। शराफत से इस कचरे का हर्जाना भर दो पूरे 75,000 रुपए जो करिश्मा सिंह ने इस जगह को साफ करने के लिए लगाए थे। बात तो सही है, फंस तो गए हम। ये लीजिए 500। का है बाबू, बाकी का 74,500 तुम इंस्टॉलमेंट में भरोगे का? 74,500? अरे देखिए मैडम, का है कि लॉ के हिसाब से कचरा फेंकने का फाइन होता है 500 रुपये, और आई एम वेरी वेरी सॉरी कि ये कचरा हमने ही फेंका है और ये उसी का 500 रुपये हर्जाना है। और जो पहले 75,000 रुपये देकर साफ करवाए थे उसका क्या? हाँ तो क्या सबूत है आपके पास कि वो कचरा हम ही फेंके थे? मैडम वकील हैं हम, और कानून के सारे दांव पेच हम जानते हैं, और कानून के साथ खेलना सिर्फ हमारा पेशा नहीं है, शौक भी है। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। सो जरा दोनों के नाम का चालान बनाइए, कानून हम भी जानते हैं, आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर दोबारा अपने कचरा फैलाया तो आपको दांव पेच में उलझा के रख देंगे। अरे मैडम पहले दुनिया को रोकिए, सारे लोग तो कचरे फेंकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सिर्फ हमरे पीछे काहे पड़े हैं? सुमित को रोकिए ना। हमें काहे, सुमित को रोकिए पहले। रुकना आप दोनों को ही है, वरना हम तो हैं ही। और भोलेनाथ का कसम, जो इस बार हम तुमको रोकने आए ना तो तुमको बहुत दर्द होगा। गुस्सा निकालने का ये तरीका बहुत अच्छा है। ये कानून भी कितना अजीब सा चीज है ना मैडम सर, मुजरिम को पकड़ने को कहती है लेकिन पकड़ने से पहले हमारे हाथ बांध देती है। सजा देता है लेकिन सिर्फ एक गरीब को सजा मिलता है। ये अमीर लोग होते ना, पढ़े लिखे लोग, ये जुर्म करते हैं लेकिन निकल जाते हैं बड़ी सफाई से। ये तो सिर्फ नजरिए की बात है करिश्मा सिंह। खैर छोड़िए, फिलहाल ये जो कचरे का प्रॉब्लम है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मानसिकता में है। मतलब ये इंसानी फितरत, सोच। हमें लगता है कि अगर हर कोई कचरा कर रहा है तो हम भी कचरा कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है? हमें इस सोच को बदलना है, इन्हें एहसास दिलाना है कि कचरा करना कितना गंदा और गलत है। एक आम सिटीजन की अपने शहर, अपने देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, ये समझाना है। ये जो वर्मा भाइयों जैसे लोग होते हैं ना, ये जिंदगी में कभी इनका मानसिकता बदल नहीं सकते हैं। ये लोग लात के भूत है, ये लातों से ही मानेंगे। बदलेगी जब खुद पर बात आएगी ना, तब उनकी सोच भी बदलेगी। डंडे से हम सिर्फ डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन वार हमें ऐसी जगह करना है जिससे बात उनके दिमाग में बैठ जाए। और कैसे देंगी मैडम सर आप ये सीख? किसी की जान लेकर। अब तो किसी की शहादत से ही इनकी सोच सुधरेगी। आपके पेट में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अरे आखिर ये सब सवाल हमारे घर में आके काहे पूछ रहे हैं? तो कहां पूछे? हॉस्पिटल में पूछिए। पुष्पा जी हमारे ना पेट में से बहुत जोर का दर्द हो रहा है, हमको उल्टी भी आ रहा है। पुष्पा जी इधर इधर करो, इधर। चीता चीता चीता, अपने आप को काबू में रखो, हम जाएंगे अस्पताल, जाएंगे। हाँ जाएंगे। अच्छा हम आप सबसे यही सवाल करना चाहते हैं कि आप लोग आखिर आए क्यों यहाँ पर? सर्वे करने आए हैं। देखिए आपके एरिया की जो पाइपलाइन है वो फट गई है, लीकेज हो गई, ब्रेक हो गई है, तो उसके चलते उसके अंदर ना गंदा पानी चला गया है और वो हानिकारक ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया चले गए हैं, और इसीलिए अपनी एरिया के लोगों की हमने एक लिस्ट बनाई। सॉरी लिस्ट लंबी है इसीलिए टकरा गई, सॉरी। हाँ तो उसके चलते हम सब लोगों को वो देंगे
अच्छा निशाना? नहीं निशाना नहीं, वो यहाँ देती हूँ ऐसे ही। इंजेक्शन? हाँ इंजेक्शन इंजेक्शन बराबर। सर 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 आपको पता है सर, इसी कॉलोनी के घर से ना हम इसे पानी लेकर पिए थे, तब से हमारे किडनी में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है ना सर, हम कहाँ बताएं। सर सर वैक्सीन आ जाएगा ना तो सबसे पहले आप हमको दीजिएगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। तुम पुलिस की लापरवाही की वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई है, आप जानते नहीं कितनी लोगों की जान जा सकती है। सुनिए भाई साहब, मेरे 15 साल के चोरी के एक्सपीरियंस में कठी सर, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी जानलेवा बीमारी मैंने आज तक नहीं देखी है। फिर मगर एक बात बताइए आप हमको, अगर पाइपलाइन फटी तो आप हम पुलिस वालों को दोषी क्यों मान रहे हो? ये तो आप लोगों का काम है ना, आप लोगों को पता होता है कि कौन से एरिया में किस दर्जे की पाइपलाइन बिछाई गई है। अपनी नाकामी का बिल आप हम पर क्यों फाड़ रहे हैं? अच्छा हम नाकाम? आपने ही पाइपलाइन पर झोपड़े बनाने से रोका होता तो? तो झोपड़े के नीचे पाइपलाइन क्यों लगाते हो आप लोग? हमरा घर में आकर इतना जोर जोर से चिल्ला कह रहा है, जाकर के बाहर झगड़ा करो, जाओ। सर 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 शांत शांत पानी, शांत सर पानी 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 लीजिए पीजिए। ये 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 या या ये 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 या या। सर सर जो महाभारत है नहीं, मेरा पेट दर्द, ये महाभारत बढ़ता चला जाएगा, जो आपके घर में सदस्य लोग हैं ना उनका नाम चुपचाप बता दीजिए सर, सब कुछ थम जाएगा।